JYP एक ऐसा मामला था जिसमें दो रात चार परीक्षाएं हुई, 447, 556, 817, ये उन परीक्षाओं के कोड हैं, 939। तो अब ये मामला हिमाचल हाई कोर्ट से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट से अंतिम 9 नवंबर 2023 को इसमें फैसला आ गया था। उस फैसले के अनुसार अब पुनः इस मामले में रिजल्ट तैयार होना है, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फैसला था, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि 556 कोड में जो पुरानी क्लेरिफिकेशन सरकार ने दी थी उसके अनुसार फैसला दिया जाए, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सारे मामले की जो कार्रवाई है वो क्लेरिफिकेशन अवैध थी, क्लेरिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसके भी पैरा 34 और 35 को मॉडिफाई कर दिया और कहा कि 817 का जो रिजल्ट है वो, जो जितने भी पोस्टें निकली, पोस्ट हमने एडवर्टाइज की थी, उन सारी पोस्ट का रिजल्ट निकाला जाएगा। तो इस मामले में अब हमने कल एक मामला न्यायालय में लगा था और उसमें मामले में हमने कहा है कि हम जल्द रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, परंतु फिर भी क्योंकि मामला बड़े टाइम से लंबित है, 4 सालों से वो रिजल्ट कंपाइल होने हैं, उस दौरान कमीशन में भी, जो हमीरपुर कमीशन सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन था उसमें भी धांधलियां पाई गई, उसको बंद किया गया, नए सिरे से प्रक्रिया चालू की गई। तो इस सारे मामले में को देखते हुए हमने न्यायालय से कहा कि हमें कम से कम 3 माह का समय दिया जाए, ताकि 3 माह में हम इन रिजल्ट्स को, जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं 817 और 939 या कोई और भी, तो उनको हम निकाल सकें। तो अगले 3 महीनों के भीतर हम उन रिजल्ट्स को निकालने की कोशिश करेंगे, परंतु 3 महीने आउटर लिमिट है, जल्दी भी हो सकता है। ये प्रदेश सरकार की कोशिश है कि सरकार जल्द इसको करना चाहेगी।